तो गाइस मैं महफूज वीर आलम। गाइस क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट के बिना हमारे ऑफिस के काम अधूरे रहते हैं, हमारी टेक्निकल दुनिया अधूरी है, हमारा कंप्यूटर में बैठना बेकार है जिस इंटरनेट के बिना, जिस इंटरनेट के बिना दुनिया में लगता है कि हम पीछे चले गए हैं अगर इंटरनेट यूज ना करें तो। सो गाइस आपको पता है कि इस इंटरनेट की सेवा को सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? गाइस दो लोग थे, रॉबर्ट ई कैहन और विंटन सेफ, जो दो लोग थे जिन्होंने 1983 मतलब 1 जनवरी 1983 के बाद से कई नेटवर्क्स को एक साथ जोड़कर उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट की थी। उसके बाद इंटरनेट को इन्होंने इन्वेंट करके दिखाया था कि इंटरनेट की भी कुछ सेवा हो सकती है पूरी दुनिया में। लेकिन गाइस वो सेवा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने के कैपेबल नहीं थी, इस्तेमाल होने के लायक नहीं थी, क्योंकि सारे लोगों को वो दुनिया से जोड़ नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ उसके बाद, टीम बर्नर्स-ली ने 1990 के आसपास उन्होंने WWW इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया, जिसे हम इंटरनेट ही कहते हैं आमतौर पर। उसके बाद पूरी दुनिया के लोग उस इंटरनेट की सेवा को यूटिलाइज करने लगे और उनसे जुड़ पाए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा कब आई है? गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंटरनेट की सर्विसेज इंडिया में जो आई है वो 15 अगस्त सन 1995 को आई है, मतलब 15 अगस्त 1995 में हिंदुस्तान में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा लॉन्च हुई है। लॉन्च करने वाली जो कंपनी थी वो स्टेट ओन्ड कंपनी थी, मतलब स्टेट लेवल की कंपनी थी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। उस कंपनी का नाम था VSNL, जिसे हम कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस कंपनी की उस वक्त मोनोपोली चलती थी, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ये अधिकार नहीं था, ये राइट नहीं था कि इंटरनेट की सेवा वो आपको उपलब्ध करा सके, मतलब इंटरनेट की सेवा आपको वो दे सके, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ VSNL को था, विदेश संचार निगम लिमिटेड को था, जो कि एक स्टेट ओन कंपनी थी, क्योंकि इनके द्वारा ही इंटरनेट लॉन्च किया गया था भारत में सबसे पहले, और इस कंपनी की उस वक्त मोनोपोली चलती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1995 में VSNL के द्वारा सबसे पहली इंटरनेट की सेवा आई थी भारत में, जो कि पब्लिक के यूज के लिए थी। बट गाइस थोड़ा सा आपको जान के थोड़ी सी बहुत सी अमेजिंग फैक्ट लगेगी कि इंटरनेट की सेवा की सबसे पहली जो लीज लाइन बनाई गई थी, जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच बनाई गई थी, जिसकी स्पीड 9.6 किलोबिट पर सेकेंड थी, जिसको क्लास बी का आईपी एड्रेस अलॉट किया गया था 1990 में। सो गाइस 1995 में इंटरनेट आई थी जो कि पब्लिक के यूज के लिए थी, लेकिन 1990-1991 में जो इंटरनेट की सेवा सबसे पहले दिल्ली और मुंबई के बीच स्टार्ट हुई थी वो पब्लिक के यूसेज के लिए नहीं थी। वो सबसे पहली सेवा थी इंटरनेट की, सबसे पहले लीज लाइन बनाई गई थी। लीज लाइन वो होता है गाइस, समझ लीजिए कि एक रास्ता है जिसके थ्रू इंटरनेट की सिग्नल ट्रैवल करती है, उसे हम लीज लाइन कहते हैं, जो कि सबसे पहले दिल्ली और मुंबई के बीच बनाई गई थी। सो गाइस प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे हो। सो मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स अ लॉट।